नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हमारे पास जावा 350 मरून कलर में। तो चलिए बताते हैं इसी बाइक के बारे में, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। देखिए जो ये बाइक है कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, जिसमें क्रोम एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर आप इसका मरून कलर देख रहे हैं, बाकी यहाँ पर पूरा लुक देखेंगे तो कुछ ऐसे देखने में। अब बात करें यहाँ पर सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की, तो इधर आप यहाँ पर देखेंगे आपको इसके हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको हैलोजन बल्ब में देखने को मिलते हैं। इधर आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड आपका इधर इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे इसके हैलोजन बल्ब के साथ में। हॉर्न यहाँ पर एकदम फ्रंट में दिया हुआ है एंड इसका हॉर्न ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले इसका हॉर्न ही आपको सुना देता हूँ मैं, तो काफ़ी लाउड हॉर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा लाउड है यहाँ पर और एकदम फ्रंट में दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 35mm के टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर ये पूरा आपको जो इसका मडगार्ड है ये आपको पूरा मरून कलर में देखने को मिलेगा एंड ये पोर्शन आपको सिल्वर से मिल जाएगा। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एक क्रोम वाला पार्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इधर आपको गोल्डन लाइन्स वगैरह भी इसमें देखने को मिलेंगी। एंड अब बात करें यहाँ पर व्हील्स की, तो इधर आप देखेंगे सबसे पहले आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाता है इसमें। एंड टायर साइज जो है आपका 190/18 सेक्शन का इसमें देखने को मिलता है यहाँ पर। एंड ब्रेक्स की बात करें तो इधर आपको 280mm का डिस्क देखने को मिलता है, प्लस इधर आपको बाइब्रेक एलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। इधर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये पार्ट इसका एक्सेसरी का यहाँ देखने को मिलता है, जिसके लेग गार्ड हैं। एंड इधर जो इसका रेडिएटर काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एंड इधर आपको इंजन के लिए कवरिंग वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी की होल इसमें आपको इस साइड में मिलता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको जावा की सभी बाइक्स में इधर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको लॉक के लिए, बाकी इग्निशन वगैरह के लिए इधर आपको देखने को मिल जाता है। एंड कीज़ भी आपको दिखा देता हूँ मैं, कुछ ऐसी कीज़ देखने को यहाँ पर मिलती हैं। बाकी इधर आप देखेंगे तो पूरा वो क्रोम ही क्रोम इधर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर बनाता है। बाकी इसको आपको केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ब्रेक आपको जो रियर वाली है उसके लीवर्स वगैरह कुछ ऐसे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको फुटपैक्स कुछ सेम डिज़ाइन में आगे और पीछे दोनों ही देखने को मिलते हैं। करें यहाँ पर इसके इंजन के, इसमें आपको 334cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 22 PS की पावर एंड 28 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पर इधर आप देखें तो ये पोर्शन भी आपको, इसमें भी आपको गोल्डन लाइन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। एंड रियर में आपको कुछ ऐसे सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर रियर ब्रेक्स की बात करें तो वो आपको थ्रू 240mm की देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आपको बाइब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं फ्लोटिंग टाइप के। बाकी इधर भी आपको स्पोक व्हील दिया हुआ है, यहाँ पर आपको MRF जैपर टायर देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा साइज़ की बात करें तो ये आपको 130/80/17 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इस बाइक में डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। एंड रियर से कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है जो आपका टेल लैंप पे ये आपको LED में देखने को मिलता है, बाकी आपको इसमें सब कुछ हैलोजन में ही देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर टायर आप देखें तो काफ़ी वाइड आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इधर आप देखेंगे इधर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह इधर मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको इसका साड़ी गार्ड मिल जाएगा। ओपन चेन सिस्टम है तो आपको इसको क्लीन करते रहना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा लगती है मुझे, एक तरह से एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज भी है उसका, जो इस बाइक की हाइट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी कम इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। जो शॉर्ट राइड के राइडर हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा, बट जब बाइक किसी मतलब ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक पर जाएगी थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, नीचे से टच होने का यहाँ पर दिक्कत उसमें हो सकती है। एंड इसके अलावा इसमें आपको सिंगल स्टैंड यानी साइड स्टैंड ही देखने को मिलता है, कोई भी यहाँ पर सेंटर स्टैंड वगैरह का ऑप्शन नहीं है। एंड इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको जावा 1920 ओरिजिनल वगैरह की बैचिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड इधर भी आप देखें तो एक हॉर्न आपको यहाँ भी मिल रहा है, तो इसमें टोटल दो हॉर्न है। इधर आपको डुअल हॉर्न का इसमें ऑप्शन है, इसमें भी आपको जावा वगैरह देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। एंड ऊपर इसके टैंक जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसमें भी आपको इधर जावा की बैजिंग मिल जाएगी। एंड इसके अलावा इधर आपको टैंक दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा इसका कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्यारा लग रहा है, मरून एंड गोल्डन के साथ, प्लस इधर आपका जो क्रोम ट्रीटमेंट दोनों साइड में दिया हुआ है। बट इसको आपको जैसे यहाँ पर देखेंगे फिंगरप्रिंट वगैरह आ गए, तो ये चीज़ आपको इसके क्लीन करनी पड़ेगी, चाहे आप कपड़ा लेकर चले या आप बार बार इसे क्लीन करते रहें, अगर आप इसे अच्छे से देखना चाहते हैं तो। इधर भी आप देखेंगे यहाँ पर थोड़े बहुत मार्क्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे स्पॉट्स, तो ये थोड़ी सी इसके साथ डिसएडवांटेज है। बाकी हाँ,
कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 13.2 लीटर्स की देखने को मिलती है। इसके अलावा सीट्स वगैरह देखने को कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी, इधर रियर में आपको कोई भी सपोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड आपको यहाँ पर दिखाऊँ इसके स्विच गियर्स एंड हैंडल बार वगैरह, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। स्विच गियर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इधर आपका पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, इधर आपका इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है। इधर आप देखें तो यहाँ पर इंजन की ओर स्विच, इधर आपका आई यानी आपका जो इसमें छोटी सी यहाँ पर एक डिस्प्ले दिया है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाएगा। यहाँ पर हैजार्ड लाइट इसमें इनबिल्ट है, तो यहाँ पर आपको अलग से कुछ नहीं करवाना। इधर आपका सेल्फ का बटन मिल जाता है। बाकी जो आपके क्लच और ब्रेक लीवर्स हैं वो कुछ इस डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड जो मिरर है वो भी आपको यहाँ पर क्रोम में देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बाकी यहाँ पर इसका अब जो इसका मीटर है वो आपको मैं दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा दिख जाएगा, फुल एनालॉग में आपको देखने को मिलता है। इधर आपका स्पीड वगैरह इसमें मिल जाएगी, बाकी सारी लाइट्स, न्यूट्रल, एबीएस, इधर आपका इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग, हाई बीम, लो बीम, ये सब चीज़ें इधर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका फ्यूल गेज, बाकी यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपका ऑडियो वगैरह सब कुछ दिखता रहेगा। तो ये अब आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोड। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी प्यारा साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप देख रहे थे इसका मरून कलर, एंड इसके अलावा दो कलर ऑप्शन इसमें आपको और देखने को मिल जाते हैं, एक है ब्लैक एंड दूसरा है मिस्टिक ऑरेंज। मेरी सारी डिटेल इस बाइक के बारे में, बाकी बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आपको कॉस्ट करती है 2,65,000 रुपीज़ ऑन रोड इन लखनऊ। बाकी आपके सिटी के स्टेट के अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग चेंज हो सकती है, तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम विजिट करके इसके बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं। बाकी अगर आप लखनऊ में इसे लेना चाहते हैं तो आपको शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।